वेलकम करते हैं आज की वीडियो में आप सबका। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। सो आज हम इन तीन मोबाइल का कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, जिनमें एक रियलमी नार्जो 15 है और इन्फिनिक्स नोट 13 और टेक्नो कैमरा 20। सो इन तीनों का एक साथ हम कैमरा टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि विनर कौन सा। एक आपको 54 का मिलता है इन्फिनिक्स नोट, रिटेल प्राइस है, मतलब बाकी आपको 60,000 तक भी मिल जाता है और ब्लैक मार्केट में। और टेक्नो कैमरा 20 भी 54 तक आता है रिटेल प्राइस में, पर ब्लैक मार्केट में आपको महंगे ही मिलते हैं। और ये नार्जो 15 है, ये आपको 45 या 46,000 तक मिल जाता है। तो चलिए इनका इन तीनों का कैमरा टेस्ट एक साथ करते हैं। सनलाइट भी पड़ रही है आपको, बाकी अंदाजा खुद ही हो रहा होगा किसकी क्वालिटी कैसी मिल रही है इस टाइम। ये 2K में इन्फिनिक्स नोट 13 और टेक्नो कैमरा 20 में आपको ये ऑप्शन मिलते हैं, पर रियलमी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए अभी हम इन दोनों की वीडियो शूट कर रहे हैं। तो रिव्यू हम इनका बाद में देख के आपको देंगे। 720 30 FPS में फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है और फ्लैश लाइट के साथ है, शूट हो रही है रियल कैमरा से 1080p 30 FPS में तीनों के कैमरा से। तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बाकी हम आपको पूरी डिटेलिंग के बाद में बताएंगे। ये वीडियो शूट हो रही है 720 30 FPS से फ्रंट से। तो बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें थोड़ा इन्फिनिक्स नोट 13 इस तरह कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है, बाकी दो में आपको मिल जाती है। ज़्यादा मुझे टेक्नो कैमरा 20 में अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये वीडियो शूट हो रही है 1080p पे 30 FPS पे, आप खुद देख रहे होंगे जैसे सनलाइट पीछे आती है तो इस तरह वीडियो नहीं बना पाता है, बाकी दोनों में हमें अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो ये वीडियो 2K से दोनों के फ्रंट से शूट हो रही है, इन्फिनिक्स नोट 13 और टेक्नो कैमल 20। तो आपको क्वालिटी होगी, यहाँ पे मुझे टेक्नो कैमल 20 अच्छा नज़र आ रहा है। बैक पे जैसे सनलाइट आती है तो इन्फिनिक्स की क्वालिटी कुछ और ही हमें दिखाती है, यहाँ पे टेक्नो कैमल 20 अच्छा है और रियलमी में आपको 2K का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमने दो से शूट किया। ये वीडियो 1080p से फ्रंट से बन रही है सिंपल और अभी हम फ्लैश मोड ऑन करते हैं। वीडियो फ्रंट कैमरा से फ्लैश लाइट के साथ शूट हो रही है 1080p 30 सेल्फी से शूट हो रही है, बैक कैमरा की अभी हम बाद में करेंगे। ये कैसे हैं आप सब? चलिए आज हमारे ओपिनियन की बारी है, जो हमने कैमरा टेस्ट किया है इन्फिनिक्स नोट 13 एंड टेक्नो कैमरा 20 एंड रियलमी नार्जो 15। रिस्पॉन्स मुझे पसंद आया है तो फिर हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट, तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और अपना ओपिनियन आपको मैं दूंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होगा। इसमें आपने ये नहीं समझना है कि ये इस मोबाइल को लाया जा रहा है चाहे, जो मुझे पसंद आएगा उसके ऊपर अपना ओपिनियन आपको ऑनेस्ट से देंगे, जैसे कि पहले भी हम देते आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना ओपिनियन देते हैं। पहले पिक्चर्स चेक करेंगे तो आपको अगर हाई क्वालिटी में पिक्चर्स देखनी है वो आपको सारे बैक पे मिल जाएंगी, जो आपके जिसमें साउंड रखेंगी ये पिक्चर्स और वीडियोज। यहाँ पे हम खुद एक स्क्रीन के जरिए से खुद देखेंगे कि हमें कौन सा हमें पसंद है। यहाँ पे हम लो क्वालिटी वीडियो आपकी स्क्रीन पर शायद तो नहीं आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पिक्चर है फोटो मूड, मतलब सिंपल मूड होता है, तो बगैर किसी फिल्टर के हमने लिए। यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल कलर्स की बात करूँ तो वो हमें रियलमी 15 दी है, और अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर्स में डिटेल की बात करूँ तो वो मुझे स्क्रीन में मुझे कलर्स पसंद आ रहे हैं वो रियलमी के पसंद आ रहे हैं, और डिटेल की भी बात करें तो रियलमी की अच्छी है। पर यहाँ पे जो
कपड़े का जो ओरिजिनल कलर है वो रियल होती है और बैकग्राउंड की डिटेल सही है बाकी के मुकाबले में, तो यहाँ पर थोड़ा कैमरे में भी डिटेल अच्छी नजर आएगी। तो चलिए भी नेक्स्ट पे चल जाते हैं। तो इसी भी चलते हमने थोड़ा जूम कर लिया, जूम में आप देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट आपको जो लिप्स के नीचे नजर आ रहा होगा उसकी अगर हम बात करें तो तीनों मैम ने दिखाया जो सही जिसने ज्यादा जूम से दिखाया है वो आप भी देख सकते रियल में आ चुकी। एंड अगर यहाँ पर मैं डिटेल्स की बात करूँ इस पिक्चर में तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो कलर आपको फ्री वही ओरिजिनल रियल में मिलते हैं और जो टेक्नो और इन्फिनिक्स है मतलब कलर्स ज्यादा ब्राइटनेस कलरफुल कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को पसंद भी आएगा। मतलब जो जी जो हमारा मॉडल है उसका कलर व्हाइट है पर ये दोनों बेल ब्लैक कर रहे हैं, उसको पता नहीं क्या हो जाए। बैकग्राउंड भी यहाँ पे रेड नाम पसंद आ रहा है और इन्फिनिक्स की पिक्चर भी अच्छी है। अगर एक अंदाज से हम डिटेलिंग के लिए डिटेल भी देखें ना दूर से अगर आप देखेंगे ना तो इन्फिनिक्स की पिक्चर भी आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम ये ए आई मोड के साथ, ए आई मोड के साथ बात करें तो वही आपने जो बात बताऊँ कि ये दोनों बेल मतलब ब्लैक कलर्स यूज कर रहे हैं और रियल में आप जैसे येलो कलर देते हैं तो उस तरह के कलर्स दे रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बैक की बात करूँ तो इन्फिनिक्स ने जो वॉल का कलर है सनलाइट जो पड़ रही है वो हम ये रियल मिलते हैं और बाकी मतलब आर्टिफिशियल कर दिया सारा। और यहाँ पर अगर मैं जूम करता हूँ तो मुझे भाई टेक्नो कैमरा प्रिंट की थोड़ी पिक्चर यहाँ पर सही लगती है अगर हम डिटेल्स की बात करें। नेक्स्ट पिक्चर हम चेक करेंगे तो नेक्स्ट हमने पूरे शॉट लिया हुआ है और पूरे शॉट में आपको बीच वाले का बिल्कुल मुकाबला करेंगे टेक्नो कैमरा प्रिंट का रियल मिनार और इन्फिनिक्स को हम चेक करेंगे। आप कुछ लोग इन्फिनिक्स का जो ब्लर है वो पसंद आएगा, कुछ लोग को अपना रियल का ब्लर पसंद आएगा। डिटेलिंग्स की बात करें तो डिटेल्स आपको सेम मिल जाते हैं, जो फेस की डिटेल है दोनों ही आपको सेम प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी अच्छे तरीके से एज जो ब्लर किया है वो मेंटेन किए इन्फिनिक्स ने और कलर्स कलर कलरफुल कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर पोर्ट्रेट मेटर में कुछ और कर दिया है वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो अगला पोर्ट्रेट हमने थोड़ा सा जूम किया हुआ, जूम में बात करें तो भैया हमें मिलता है इन्फिनिक्स और आइडिया भी। यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स प्रेफर करूँ क्योंकि आजकल लोगों को मतलब कलरफुल पिक्चर्स ज़्यादा पसंद आती है जी। और दूसरे नंबर पर रियलमी को तीसरे बताया टेक्नो कैमरा। नेक्स्ट जो मेन कैमरा की जो पिक्चर होंगी है रियलमी आपको 50 मेगा पिक्सल मिलते हैं और बाकी दोनों आपको 64 मिल जाते हैं और बाकी छोटे कैमरा आपको मिलते हैं जिसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कलर्स आप देख सकते हैं येलो कलर दिया रियलमी ने मतलब बहुत ब्राइटनेस पिक्चर यहाँ पे कर दिया रियलमी ने और टेक्नो वही यहाँ पे पोर्ट्रेट में और मतलब ब्लैक कर देता है। अभी ये हमने इसके मेन मेगा पिक्सल से आप देख सकते हैं जो सारा पिक्चर हम मतलब यहाँ बाकी हम रियलमी और इन्फिनिक्स पिक्चर को अच्छा समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे रियलमी नाम 15 को समझना कि लाइटिंग कंडीशन हर चीज़ को देख के हमें अपना फैसला देना पड़ता है। और आप यहाँ पे जो नीचे मतलब फर्श है उसकी डिटेलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने इसको थोड़ा जूम कर लिया, जूम में भी वही आपको नजर आ रहा होगा। डिटेलिंग की बात करें तो जूम में हम डिटेलिंग कपड़ों की हर चीज़ की रियलिटी थोड़ी अच्छी नजर आई, दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स फिर डेको और ये बना पिक्चर में आपको कुछ ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रूम का फर्क है जो कलर्स आपको मिल रहे हैं। और सेकेंड पिक्चर की हम बात करें तो वो भी टेक्नो की तो बेकार आई है, बाकी लोग पिक्चर अच्छी कलर्स हमें यहाँ पे थोड़ा रियलमी में अच्छे मिल जाते हैं। और एक बात हमें नोट की, जैसे आप जूम करते हैं तो इन्फिनिक्स उस तरह जूम नहीं कर पाते जिस तरह इन्फिनिक्स को करना चाहिए टेक्स में, तो ये एक बात यहाँ पे। और नेक्स्ट पिक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे मुझे जो स्मॉल पत्ते हैं उनकी डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा इन्फिनिक्स नज़र आ रहा है और दूसरे नंबर पर बात करूँ तो रियलमी है, तीसरे पर यहाँ पे टेक्नो आपको नजर आ रहा है। तो अभी हम जाते हैं टेनेक्स पे, टेनेक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स की यहाँ पे सबसे अच्छी पिक्चर तो इसके बाद रियलमी की है, उसके बाद टेक्नो की है। तो इन्फिनिक्स की इसकी भी थोड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है टेनेक्स में क्योंकि ज्यादा जूम नहीं कर रहा है, इशू इसने नोट किया हुआ टेनेक्स में जूम करना चाहिए उसके बाद जूम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेनेक्स की एक और पिक्चर यहाँ पर देखा हूँ, यहाँ पे भी सही है, ज्यादा मैं प्रेफर करूँगा इन्फिनिक्स और रियल। अगर हम इनके पास थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे कुछ हमें पता चल रहा है कि इन्फिनिक्स और रियलमी में कुछ नजर आ रहा है, कलर भी अच्छे हैं, टेक्नो में भी आपको सही मिल जाता है, ज्यादा चला गया दूसरे नंबर पर रियलमी देख। तो फोटो मोड में हम एक सिंपल फोटो लिए कर रहे हैं तो अभी आप रूम में आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि अगर ये मैं आपको पहले बता दूँ जो राइट साइड में आपको इन्फिनिक्स है, जो मिडल में है वो टेक्नो है और लेफ्ट में आपको रियल मिल जाता है, ये मैं आपको समझा दूँ पहले से आपको बताऊँ हम ब्रांड्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इस पिक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे पहले नंबर पर जिसकी क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है, अगर हम जूम करें तो रियलमी और इन्फिनिक्स में रियलमी और कैमरा में इतना फर्क आपको नहीं मिलता पर यहाँ पर एक ही फर्क है, येलो टोन और वाइट टोन आपको की दी जाएगी और इन्फिनिक्स में यहाँ पे ज्यादा डार्क आपको नजर आएगा। तो इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो टेक्नो को पहले नंबर पर रखेंगे, दूसरे पे इन्फिनिक्स और तीसरे पे नाजो, दूसरे पे नाजो और तीसरे पे इन्फिनिक्स को यहाँ पे रखेंगे। अगली पिक्चर को अगर हम देखें तो वो हमें फ्लैश लाइट मोड के साथ पिक्चर ली है, तो यहाँ पे बात करें भाई वाइट टोन आपको टेक्नो दे रहे और इन्फिनिक्स में कुछ ब्लैक पिक्चर आपको डार्क ज्यादा नजर आएगी। डिटेलिंग की बात करें डिटेल की जहाँ तक मैं बात करूँ डिटेलिंग तीन पीसी में ज्यादा आपको टेक्नो में मिलती है, फिर रियलमी में मिलती है, फिर इन्फिनिक्स में आपको मिलती है, यहाँ पे पहला भी नाम टेक्नो। तो नेक्स्ट पिक्चर अगर हम बात करें तो ये हमने बिल्कुल कमरे में अंधेरा करके सुबह नाइट मोड से लिया, तो यहाँ पे टेक्नो तो हम कुछ नजर आ रहे हैं रियलमी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इन्फिनिक्स की नाइट मोड की बात करें तो टेक्नो की तरह ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उनसे भी आप कुछ नजर आ रहा है, इन्फिनिक्स में बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट पिक्चर हमने फ्रंट से कैमरा से लिया सिंपल,
पहले नंबर पे रियलमी, फिर उसके बाद अगर जिसने पोर्टेड हमें दिया है, फिर उसके बाद इन्फिनिक्स ने पोर्टेड हमें दिया है टेक्नो, फिर तीसरे नंबर ये क्योंकि टेक्नो बिल्कुल पोर्टेड का शॉट दिया ही नहीं, मतलब क्या लेना चाहता था ये। तो यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि रियलमी हमारे यहाँ पे क्लियर बना रहे थे इन्फिनिक्स से, इन्फिनिक्स के कलर हमें डार्क नजर आए, पता नहीं इसकी क्या वजह है। और तीसरे नंबर पर टेक्नो, चलिए नेक्स्ट विचार हम चेक करते हैं। सो नेक्स्ट विचार में ये है सेल्फी मोड से रूम के अंदर, यहाँ पे पहले नंबर पर जो मैं प्रेफर करना चाहता हूँ जो हम जूम करके देखेंगे वो होगा डिटेलिंग के मामले में इन्फिनिक्स, और उसके बाद रियलमी के कलर अच्छे हैं, टेक्नो के भी कलर अच्छे हैं, जो अच्छे कलर जहाँ तक ज़्यादा लग रहे हैं वो है रियलमी के हैं। और रिटेलिंग के बारे में मामले में यहाँ पे आप इन्फिनिक्स को पहले नंबर पर रखेंगे, तीसरे नंबर पर टेक्नो होगा। तो जी नेक्स्ट विचार हमने सेल्फी विद फ्लैश लाइट के साथ ली है, पर रियलमी में तो आर्टिफिशियल फ्लैश लाइट आपको मिलता है, पर इन दोनों में आपको टेक्नो इन्फिनिक्स में फ्रंट पे भी फ्लैश लाइट मिल जाती है, आप जैसे हम जूम करते हैं फेस पे। सो रिटेलिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स में आपको ज़्यादा मिल जाती है, और कलर्स की बात करें तो वो दोनों बेस्ट बाकी के सेम है। यहाँ पे पहले नंबर पे इन्फिनिक्स हम रखेंगे, और बाकी को हम रियलमी के जो दूसरे नंबर में अच्छी ज्यादा चल रहा है, और तीसरे के आप टेक्नो पर रखेंगे, क्योंकि हमें डिटेलिंग और हर चीज़ को देखना पड़ता है, रूम को और डिटेलिंग को भी ज़्यादा देखना पड़ता है। तो ये एक बार फिर से हम इस शॉप को एड कर रहे हैं, प्रेजेंट में और हम लिए थे उसको एक बार फिर चेक करके आपको बताएंगे कौन सा बेस्ट है। तो अगर इस शॉप को हम देखिए 720 में हमने एक बार फिर से किया है, तो इसमें से जो मुझे सबसे अच्छा नज़र आ रहा है वो टेक्नो है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हम इन्फिनिक्स के कलर अच्छे मिल जाते हैं उसके बाद, और उसके बाद रियलमी आ सकते हैं। 1080p वही है कि इन्फिनिक्स के रियलमी टेक्नो के कलर्स अच्छे हैं 1080p में, फिर उसके बाद इन्फिनिक्स आता है डिटेलिंग कलर्स, और फिर उसके बाद रियलमी आज होते हैं। इन्फिनिक्स और रियलमी आज में कुछ खास था नहीं है, पर फिर भी इन्फिनिक्स के कलर अच्छे हैं। ये 2K की वीडियो है, टेक्नो में और इन्फिनिक्स में आपको 2K मिल जाते हैं, पर रियलमी में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते, तो बैक से सनलाइट भी पड़ रही है आप खुद भी देख रहे होंगे। तो अगर हम इस पिक्चर से जूम कर लेते हैं तो दोनों की डिटेल ज़्यादा सेम है, पर यहाँ पर इन्फिनिक्स के कलर मुझे थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं टेक्नो के मुकाबले में। तो ये वीडियो हमने नाइट के मतलब हिसाब से शूट किया, फ्लैश लाइट के साथ 720 तक ये FPS पे होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मतलब ब्राइट कर देते हैं इन्फिनिक्स, और उसके बाद टेक्नो आपको थोड़ी डिटेलिंग की ज़्यादा देने की कोशिश में होता है, और रियलमी में तो आपको ज़्यादा ब्लैक नजर आता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले नंबर पर होगा और टेक्नो दूसरे पे, और रियलमी तीसरे पे। टेक्नो और रियलमी में इतना फर्क नहीं है, जो इन्फिनिक्स में वहाँ पर ज़्यादा लोग कोई चीज़ पसंद आती है वाइट रूम जैसे कलरफुल कर दिए, तो इसलिए हम पहले नंबर पर रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो 1080p 30fps फ्लैश लाइट के साथ यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, इन्फिनिक्स ब्राइट कर देता है, और बाकी दोनों सेम है। बाकी दोनों भी अगर मैं मुकाबला करूँ टेक्नो को मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा, रियलमी तीसरे नंबर पर रखूँगा, क्योंकि जिसका फ्लैश लाइट ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है 720 30fps की सेल्फी वीडियो 3K फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैक से सनलाइट जब पड़ती है तो यहाँ पे इन्फिनिक्स वही काम कर रहा है जो पिक्चर्स में कर रहा था। यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पर टेक्नो हमारी तरफ से डिटेलिंग हर चीज़ के मामले में, दूसरे नंबर पर रियलमी एंड देन इन्फिनिक्स, टेक्नो फर्स्ट एंड सेकंड रियलमी और थर्ड इन्फिनिक्स में रखेंगे। चलिए हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो होगी 1080p 30fps पे। सो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, सनलाइट जैसे आती है इन्फिनिक्स की डिटेलिंग भी वैसे ही कम है। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे टेक्नो को रखूँगा, और फिर दूसरे पे रियलमी, और तीसरे पे इन्फिनिक्स। टेक्नो ये कर रहा है ना मतलब कलरफुल ज्यादा सेल्फी को कर रहा है, वीडियो को भी और सेल्फी को, तो ये लोगों को पसंद आते हैं इसलिए हम रखेंगे। और इन्फिनिक्स और टेक्नो में आपको 2K फ्रंट में मिल जाते हैं, तो उसको भी हम डिटेलिंग से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी टेक्नो के कलर्स मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड देखिए, अगर फेस देखें और शर्ट के कलर्स को देखें तो यहाँ पे भी टेक्नो फर्स्ट एंड देन सेकंड इन्फिनिक्स प्रेफर करूँगा। यहाँ पे हमें पसीने भी आ रहे हैं, तो फैन हमने बंद किया, सिर्फ आपकी हम एक अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं डिटेलिंग वाली। तो ये वीडियो अभी जो आप नजर दिखा रहे हैं 1080p सिंपल मिक्स बन गई, थोड़ी रोशनी हमने सन लाइट है वो हमने डोर को थोड़ा खोल के इस वीडियो को शूट किया। यहाँ पे हम बात करें इन्फिनिक्स के कलर्स हमें ज़्यादा ब्राइट नजर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर है, दूसरे पर अगर हम बात करें टेक्नो, थर्ड पे है इन्फिनिक्स। यहाँ पे इन्फिनिक्स हमारा नहीं, फर्स्ट नंबर पे हमारा इन्फिनिक्स होगा यहाँ पे, और सेकंड में टेक्नो, और थर्ड पे हमारा रियलमी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो फ्लैश लाइट के साथ आपको दिखाने वाले, तो ये वीडियो भी फ्लैश लाइट के साथ है, और यहाँ पे भी वही आपको ज़्यादा ब्राइट कर देता है इन्फिनिक्स, और टेक्नो दूसरे पे हम रखेंगे रियलमी तीसरे पे। रियलमी में क्या आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलती। सो ये तो भैया सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ पे आप विनर में से जो लेना चाहें जो इन दोनों तीनों में से विनर होगा, पहले पे मैं इन्फिनिक्स को नहीं रखूँगा, रियलमी को नहीं रखूँगा, टेक्नो को मैं रखूँगा, दूसरे पे हम रियलमी को रखेंगे, तीसरे पे इन्फिनिक्स को रखेंगे। और इनकी डिटेल प्राइस की अगर हम बात करें तो एक आपको 45 का मिलता है रियलमी 950, एंड देन आपको इन्फिनिक्स नोट 13 जो आपको मिलता है वो
55 is retail price 54, और देख लो कैमरा 20 की भी retail price इतनी है 54 और 55, black market में आपको ये महंगी भी मिलते हैं, so अगर मेरे से आ गया अश्वर अली जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात है इंटरनेशनल मार्केट में तो आपको आप एयर्स भी मिल जाते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज में और हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो अगर मेरे यहाँ पे आप मशहूर आए तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस टाइम में रियल मी प्रेफर कर सकते हैं। रियल मी में सिर्फ एक मसला ये है कि यहाँ पे आपको स्टोरेज ज़्यादा नहीं मिलती, 64 GB स्टोरेज मिलती है, तो उसके जैसे लोग ज़्यादा टेक्नो को और नेटफ्लिक्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 8 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है, तो वहाँ पर आपको फ्री के एक्सटेंड रैम भी मिलती है जो किसी काम की भी मिलती है। तो अगर आप रोम की वजह से लेना चाहते हैं तो फिर मैं आपको टेक्नो प्रेफर करूँगा, और अगर आप रोम एस डी कार्ड से आप अपना काम चला सकते हैं जो हालात है मुल्क के, सो उसके अगर उसके मुताबिक अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं आपको रियल मी रिकमेंड करूँगा। सो ये अगर आपको डिटेलिंग से हमने ऑनेस्ट रिव्यू दिया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपने सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया, बाकी आप सबकी मर्जी और डिटेलिंग भी मैंने आपको सारी दिखा दी, अगर कहीं पर मेरे से गलती हुई हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा टेक्नो, वो सिर्फ रोम की वजह से, और क्योंकि टेक्नो में भी आपको G85 मिलता है और इन्फिनिक्स में 915 में भी आपको G96 मिल जाता है, इस तरह के कुछ प्रोसेसर आपको मिलते हैं और इन्फिनिक्स में G99 जब आपको मिल जाता है तो इन दोनों में फर्क नहीं है। या और रिव्यू वीडियो अगर आपको चाहिए पूरी ट्रेन के साथ इन्फिनिक्स पे और टेक्नो पे तो आप भी मैं बना सकता हूँ। सो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो बड़ी हुई हो तो उसकी सवाई पर हमें आपको डिटेल से बताना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़ गाइस। Wow.